करो, बंद करो, बंद करो। धंधा के आधार पर नियुक्ति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नियुक्ति प्रारंभ करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो लिया लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। परिचय दे दीजिए, काहे लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? राकेश चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। आज का प्रदर्शन केंद्र, आज केंद्र पूरे भारत देश में प्रदर्शन चल रहा है, उनका समर्थन हम कर रहे हैं। उनके द्वारा जो पुरानी पेंशन बहाली की बात है, समदा आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति बंद करने की बात है, उसका हम समर्थन करते हैं। ये कार्यक्रम एक दिवसीय है, आज के दिन का है, और आज पूरे भारत में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उनका हम समर्थन करते हैं, उन्हीं के समर्थन में आज का प्रदर्शन। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हमारी हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की किया जाए, और जो भी नियमित रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, ये हमारी मांग। काहे लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं रामानंद सोनकर, कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत हूँ, खंड सारदा शहर दक्षिणी में। और आज का जो है हमारा प्रदर्शन है, ये पूरे भारत में प्रदर्शन चल रहा। प्रदेश के आह्वान पे आज एक दिवसीय धरना लगा हुआ था राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर से। ये हमारी जो मांगे हैं पुरानी पेंशन लेके है, और जो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की, मतलब जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी आउटसोर्सिंग बंद की जाए, और जो नियुक्ति की जाए सरकारी तौर पर नियुक्ति की जाए। और मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और नई पेंशन बंद की जाए। अपना परिचय दे दीजिए, काहे लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम सवात नकवी है, मैं सिंचाई विभाग में नौकरी कर रही हूँ, और हम लोग एक दिवसीय धरने पर हैं तथा पुरानी पेंशन के लिए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सबसे पहली तो हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, और हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए, और भी जो संविदा पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं उसको बंद करके नई नियुक्तियाँ आरम्भ करें। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हम राम यादव, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चतुर्थ राज कर्मचारी। क्या है यहाँ पे आज? आज यहाँ पूरे प्रदेश में श्रमिकों का आंदोलन है, एक दिवसीय पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और श्रमिक विरोधी जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं उनको बंद किया जाए, संविदा ठेके पे नियुक्तियाँ बंद की जाए, नियमित सेवाएं नई भर्ती की जाए, इसी को लेकर के बाद उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर ट्रेड यूनियन का हम समर्थन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे केंद्र सरकार नहीं मानती तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, जो दिशा निर्देश होगा प्रांत का उसका जनपद शाखा समर्थन करेगी। किसी के विरोध में आज जनपद शाखा रायबरेली में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिचय दे रही, यहाँ पर क्या हो रहा है? मीना कुमारी, वरिष्ठ सहायक। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो है नई पेंशन जो है हटाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए और नई पेंशन हटाने के लिए। और क्या मांगे हैं? और क्या बताइए।